नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया में। और बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार पर फिर आफत आन पड़ी है और फिर राज्य में सरकार बनाए हुए बैठे तीनों ही दलों के बीच दरार आ गई है, क्योंकि अब तीनों को ही समान मंत्री चाहिए, साथ ही समान अधिकार चाहिए कि वो कोई भी फैसला ले सके। आपको याद दिला दे, आज से कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था और उसमें उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार जरूर है, यानी कि सरकार को सपोर्ट जरूर है उनका, लेकिन सरकार का कोई भी डिसीजन कांग्रेस नहीं लेती है। इसके बाद कई सारे बयान आए थे कई सारे नेताओं के, जिनमें कांग्रेस के नेता ये दावा भी कर रहे थे कि हम डिसीजन मेकर है, और कुछ नेता दावा कर रहे थे कि हम नहीं है। लेकिन उसके बाद कई सारे बयान और कई सारी बयानबाजी वाली राजनीति देखने को मिली थी, जो कि कुछ दिनों के लिए थम गई थी। लेकिन अब फिर से बयानबाजी वाली राजनीति शुरू हो चुकी है और मीटिंग वाली राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए ताकि महाराष्ट्र से आ रही इस बड़ी खबर को आप पूरी तरीके से जान सके, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आगे भी राजनीतिक खबरें और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई और बहनों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, कमेंट में लिखते जाइएगा कि कौन सी सरकार महाराष्ट्र में बेस्ट है, फडणवीस वाली सरकार जो कि पहले थी, या फिर उद्धव ठाकरे वाली जो कि अभी है। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर बताते हैं। तो अब आपको बता दें, राहुल गांधी के बाद अब बाला साहेब थोराट, यानी कि राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं, उन्होंने ये दावा और एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में उनकी कोई भूमिका नहीं है, यानी कि कोई भी डिसीजन कांग्रेस नहीं लेती है। और जैसा ही देखने को मिला, पहले तो कम सीटें दी गई, कम मंत्री बनाए गए कांग्रेस की ओर से, उसके बाद और भी कई जगहों पर कांग्रेस को कम मौके दिए, और अभी जब सदन के सदस्य सिलेक्ट करने थे उस वक्त भी कांग्रेस को सिर्फ एक सीट दी गई जिस पर उन्हें चुनाव लड़ना था, जबकि शिवसेना को दो और एनसीपी को दो सीटें मिली है। अब बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। वहीं आपको बता दे, शिवसेना सरकार में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस बार बार सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कई मुद्दों को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर पार्टी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करना चाहती है लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। राज्य में तीनों दलों की सरकार और सत्ता और जिम्मेदारी में बराबर साझेदारी होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस को समान अवसर नहीं मिले हैं, ना ही समानता है, क्योंकि कांग्रेस को कम सीटें, कम सदस्य और कम मंत्री सभी दिए गए हैं। फिर भी कांग्रेस इसलिए साथ है क्योंकि कांग्रेस का जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो भाजपा है, और उन्हें भाजपा को हराना है, ना कि शिवसेना को। और अगर कांग्रेस बार बार ज्यादा विरोध करती है और कहती है कि उन्हें समानता चाहिए, उन्हें समान मंत्री चाहिए, समानता सदस्यों में भी चाहिए, तो हो सकता है कि शिवसेना या फिर एनसीपी इस गठबंधन से बागी हो जाए, क्योंकि इन दोनों दलों के दो जो मुख्य प्रत्याशी है वो शिवसेना और एनसीपी ही है। लेकिन जो कांग्रेस है वो केंद्र के अंदर भी है, और केंद्र के अंदर उनके सामने प्रतिद्वंदी है भाजपा, लेकिन एनसीपी तो राज्य सरकार है, और राज्य में वो किसी भी पार्टी के साथ जाएगी तो किसी दूसरे राज्य में प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर कांग्रेस भाजपा में शामिल होना भी चाहे तो नहीं हो सकती है, जबकि शिवसेना या एनसीपी आराम से भाजपा में शामिल हो सकती है। यानी कि अगर कांग्रेस अपने तीखे तेवर ऐसे ही दिखाती रही तो शिवसेना अपने घर वापसी लौट कर देगी, और अगर वापसी कर देगी इसका मतलब साफ है,
शिवसेना और भाजपा सरकार बना डालेगी और एनसीपी के हाथ में कुछ नहीं आएगा और कांग्रेस की एक राज्य सरकार चली जाएगी। और कांग्रेस को यही डर है क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, मंत्री भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए। अब कैसे भी करके वो मंत्री बनाना चाहती है लेकिन शिवसेना मानेगी नहीं। लेकिन शिवसेना के चीफ और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हर हफ्ते बैठक का ऐलान किया है, यानी कि इसी हफ्ते से अब बैठक शुरू हो जाएगी और इसी हफ्ते यानी कि किसी भी समय बैठक हो सकती है और बैठक में कई सारे निर्णय लिए जाएंगे और बातें की जाएगी ताकि जो सरकार में दूरियां हैं उन्हें वापस मिटाया जाए और वापस तीनों ही दलों को एक दल बना के रखा जाए। तो किस प्रकार से वीडियो लगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। फिर मिलते हैं नई जानकारी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।